हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीएस लर्निंग। बच्चों, आज हम बात करेंगे दक्षता अभ्यास 2 में पार्ट 2 की, भाग 2 की। मतलब पहले पार्ट में, मतलब इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। दक्षता अभ्यास 2 में क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो था वो 5 नंबर के जैसे ही था, भाग से इसमें गुणनखंड विधि से निकालना था वर्गमूल, ठीक है। तो ये आपने पहले किया है अभ्यास 2B में, ठीक है, इसीलिए मैं इसको नहीं बताई थी। क्वेश्चन नंबर 7वें और 8वें को देखते हैं। तो 7वें में क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराई हूँ 2B में। तो करना क्या है, सिंपली 9792 के गुणनखंड विधि से वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बाद पेयरिंग करनी है, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के बाद आपको चेक करना है कि किनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिनका जिनका जोड़ा नहीं बनेगा बस वही उनका गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही छोटी छोटी संख्या होगी। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर 8वां देखेंगे तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36/75 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले 36/75 का गुणनखंड विधि से, भाग से नहीं निकालेगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा। गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप निकालेंगे, इसमें भी जिनका जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको पहले बताएं और करवा भी चुके हैं, आप लोगों को क्लास के टाइम में करवाई भी हूँ, तो ये आप लोग अपना देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां हम देख लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें का एक क्वेश्चन मैं आपको कराई थी बड़ी से बड़ी संख्या का। तो छोटी से छोटी संख्या अगर बोली तो उसको हम कैसे करेंगे, तरीका वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जब छोटी से छोटी पूछेगा, बड़ी से बड़ी पूछेगा, या शेष फल या योग फल वाला अगर पूछता है क्वेश्चन, तो उसमें हम भाग विधि से करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गुणन और अभी जो था क्वेश्चन नंबर 7वें और 8वें में गुणन फल और भाग वाला जब बोलेगा, है ना, गुणा करने पर या भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए तो उसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक। तो इसमें पेयरिंग करनी है, कितनी बार जाएगा, 3 3 9 घट जाएगा 1, ये जुड़ जाएगा 6, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार 61 हो गया, घटा दीजिए 9 और 3 39, ठीक। अब 1000 का दोबारा हम वर्गमूल निकालेंगे, जैसे यहाँ 21 बार लेंगे वहां पे हम 32 बार लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1000 पेयरिंग्स में भी हो जाएगी वैसे ही, और स्टार्टिंग वैसे ही रहेगा, 3 2 9 1 आ गया 100 3 3 6, इसमें हम यहाँ 61 बार ले लिया, यहाँ 62 बार लेके जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का आप किए हुए क्वेश्चन, 2 2 4 2 6 12, तो इसको आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, -24, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 1000 में हम कितना घटा दें, 24 घटा देगा, तो वह 4 अंकों की, सॉरी 1000 में 24 अगर हम जोड़ दें तो वह 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी ही डालेंगे, चलिए। तो यहाँ पे 24 आ गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आता 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1000 + 24 1024, घटाइएगा नहीं। अगर आप 1000 से 24 घटा देंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, हमें 4 अंकों की बतानी है, 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 1024 आपका आंसर आ गया। तो तरीका यही करना, ये क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है बच्चों, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब 9वें बोला था छोटी से छोटी, अब इसमें बोला है बड़ी से बड़ी, तो इसके लिए क्या करेंगे, तरीका वैसे ही, सबसे पहला स्टेप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब इसका भाग से हम वर्गमूल निकालेंगे, तो भाग से वर्गमूल वैसे ही निकाल लेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करके, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 9 9 9 81, घटा दीजिए 9 में से 1 8 9 में से 8 गया 1, ये जुड़ जाएगा, नेक्स्ट पेयर आ गया
निन्यानवे, ठीक है। अब कितनी बार लेंगे? नौ बार, नौ नौ इक्यासी, हासिल आठ, नौ अठ बहत्तर आठ, अस्सी हासिल आठ, नौ एकम नौ आठ सत्रह, घटा दीजिए नौ में से एक गए आठ, नौ आठ में सात गए एक, एक सौ अट्ठानवे, ठीक है। अब यहाँ पे चार अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो एक सौ अट्ठानवे शेष बच रहा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम नौ हजार नौ सौ निन्यानवे में एक सौ अट्ठानवे घटा दें, एक सौ अट्ठानवे घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वही क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। अतः यहाँ पे आप हिंदी भी लेंगे ठीक है, तो इसमें आप देखिए हिंदी क्या लिखेंगे। अतः चार अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर नौ हजार नौ सौ निन्यानवे ऋण एक सौ अट्ठानवे घटाएंगे कितना आ जाएगा? नौ हजार आठ सौ एक। जोड़िएगा नहीं, अगर आप इसमें एक सौ अट्ठानवे जोड़ेंगे तो पांच अंकों की बन जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें चार अंकों की बतानी है। तो अगर बोलेगा छोटी से छोटी संख्या क्या आती है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ में आ रहा है? वर्गमूल अगर आप इसका लेंगे तो इस तरह से नहीं बचेगा, कट जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप निकाल के, ठीक है। तो अगर छोटी से छोटी पूछेगा तो उसमें हम दो बार वर्गमूल निकालेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी पूछेगा तो बस एक बार वर्गमूल निकालिए, जितना शेष बच रहा उसी को घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर दसवां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारहवां, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो ये तो छोटी क्लास में आप लोगों ने किया है, जब छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? 16, 18 और 45 का लासा लेंगे। देखिए कैसे, तो 11 नंबर में 16, 18 और 45 का हम लासा निकालेंगे। लासा जैसे आप छोटी अक्षरों में किए थे वैसे ही, ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, फिर दो से चार, नौ, पैंतालीस, फिर दो से, फिर दो से, फिर उसके बाद तीन से कट होगा, एक, तीन त्रिका ये नौ, तीन एकम तीन, तीन बचे पंद्रह, फिर तीन से कट होगा, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन बचे पंद्रह, फिर पाँच से, ठीक है। तो ये हो गया इनका लासा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लीजिए, पाँच तय पंद्रह, पंद्रह तय पैंतालीस, दुना नब्बे, नब्बे और दूना एक सौ अस्सी, एक सौ अस्सी दूना तीन सौ साठ, तीन सौ साठ दूना सात सौ बीस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या था? छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ लिख दीजिए आप हिंदी। अतः ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या सबको गुणा कर देंगे बराबर सात सौ बीस, तो सात सौ बीस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्वेश्चन नंबर बारह। एक टोकरी में 1250 फूल, ठीक है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने टू बी में किए थे, है ना। इस तरह क्वेश्चन दिया था, एक सैनिक सैनिकों की टोलियों को एक सेनानायक कैसे खड़ा करता है कि उस टोली में कैसे जितनी पंक्ति है ना, ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन टू बी में, वैसे यहाँ पे भी। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर आगे बोल रहा है कि यदि उसने कुल आठ टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे मैम 1250 का वर्गमूल निकालना है ना? गलत, नहीं निकालना है। 1250 से क्यों निकालेंगे? वो तो एक टोकरी में 1250 फूल है ना, वो चढ़ाता कितने टोकरी फूल है? आठ टोकरी। तो सबसे पहला काम क्या है कि आठ से हम 1250 में गुणा करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखिए 12 नंबर में सबसे पहले एक टोकरी में फूल बराबर 1250, इसलिए आठ टोकरी में फूल बराबर आठ गुणे 1250 गुणा कर लेंगे, जीरो आठ पाँच चालीस, हासिल चार, आठ दो सोलह, चार बीस, जीरो हासिल दो, आठ कम आठ दो दस। मतलब उसने कितने फूल चढ़ाए थे? 10,000 फूल, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि देखिए चूंकि प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर, ठीक। अब यहाँ पे अतः कुल मंदिर बराबर हमें मंदिर की बता मंदिर की संख्या बतानी है, तो अतः कुल मंदिर बराबर अंडर रूट 10,000, ठीक,
10,000 का वर्गमूल निकाल लीजिए, किसी भी विधि से निकाल लीजिए, भाग विधि से, गुणनफल विधि से, जिससे आप गुणन। हम निकालेंगे भाग विधि से, जो कि इजी होती है, इसी को प्रिफर किया करिए आप लोग भी, ठीक है। समय कम लगता है तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा, कट गया, एक है दो। नेक्स्ट पेयर क्या है, जीरो, जीरो बार ही जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर क्या आ गया, जीरो, जीरो बार ही जाएगा। क्या आ गया, सौ, है ना, बराबर 100 मंदिर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। था इतना बड़ा क्वेश्चन कि लग रहा था कि बहुत बड़ा हल होगा इसका, पर ऐसा नहीं, देखिए कितने छोटे में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 15 अगस्त को कक्षा 6 के प्रत्येक छात्र को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो याद कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं और प्रत्येक छात्र को कितने डेगाग्राम मिठाई मिली। देखिए इसको कैसे, देखिए कुल बांटी गई मिठाई बराबर 1.6 किलोग्राम। क्वेश्चन की पहली लाइन में ही लिखा है कि कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रों को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई, ग्राम मिठाई दी गई। सबसे पहला ग्राम इसको हमें ग्राम में बदलना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दो चीज ज्ञात करना है, पहला ये ज्ञात करना है कि उस कक्षा में कितनी छात्राएं थी और दूसरा ये बताना है कि प्रत्येक छात्र को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 से इसको गुणा कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा ग्राम में, कितना आ जाएगा 1600 ग्राम, ठीक। अब हमें ये निकालना है कि छात्राओं की संख्या, यहाँ पर हम लिख देंगे छात्र, तो ये 1600 ग्राम आ गया। अब क्या करेंगे, इसलिए प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई बराबर अंडर रूट 1600 बराबर 40 ग्राम, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि जितनी उस कक्षा में छात्राएं हैं उतनी ही उतने उतने ग्राम में बांटी गई थी मिठाई, इसका मतलब इतने ग्राम मिठाई एक छात्र को मिली 40 ग्राम, इसका मतलब उस कक्षा में छात्राएं थी कितनी थी 40 थी, ठीक। पहला आंसर आपका आ गया, अतः छात्राओं की संख्या बराबर 40, एक आंसर ये मिल गया आपको। दूसरा बोल रहा है इसी 40 ग्राम को हमें बदलना है जिसमें डेकाग्राम, बदल लेते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर 40, और डेकाग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम, 1/10 डेकाग्राम, ठीक है, 1/10 डेकाग्राम। 0 0 कैसे, कितना आ गया 4 डेका, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो ये दोनों करिएगा, एक ही आंसर है इसका और एक ही आंसर, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है कि वहाँ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसे आपको हम करा भी चुके हैं, ठीक है। तो इसे आप करेंगे कैसे, 16,160 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे जैसे आपने पीछे किया था, ठीक है। और एक ही बार इसमें केवल वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग से निकालना है, जो इसका शेष आएगा बस वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 15 नंबर में क्या करना है, 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो 594 का 2 बार वर्गमूल निकालेंगे, एक बार जितनी बार जाएगा वो, एक बार एक्स्ट्रा जो एक बार ज़्यादा बार लेके जाते हैं, बस वैसे इसको भाग से करना है, ये आप कर भी चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव का प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपये का मासिक व्यय आता है। यदि बाघ के रख रखाव पर मासिक व्यय कितना है 3600 रुपये हो तो बाघ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रति वर्ग मीटर व्यय कितना आता है 2.25 रुपये, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि मासिक व्यय कितना दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मासिक व्यय दिया है और ये प्रति वर्ग मीटर व्यय दिया है, तो अब हम 3600 में 2.25 रुपये से भाग करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाघ का क्षेत्रफल बराबर
बटा 2.25 दशमलव हट जाएगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, इतना वर्ग मीटर। ठीक, बाहर का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे कैसा भाग है, वर्गाकार भाग है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 36,000 मतलब 360,000, ठीक है, बटा 225 इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, या हम इसको बोल सकते हैं कि हमें भुजा निकालना है, तो भुजा हमें निकालना है, इसलिए भुजा बराबर ये 2 हटेगा तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, इस तरह का आप किए हुए हैं पीछे, बटा 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले का वर्गमूल निकाल लीजिए, नीचे वाले का अलग अलग वर्गमूल निकाल लीजिए, निकाल लीजिएगा आप साइड में भाग विधि से, तो ऊपर आ जाएगा 600 और नीचे का आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा मीटर, 15 से भाग कर दीजिए, 15 × 60 = 40 मीटर। ठीक है, अतः लंबाई बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, 289 वृक्ष लगाए गए, ठीक है, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो इजी है ये, आप किए भी है पीछे, सिंपल सा है, लिख लीजिएगा पहले कि कुल वृक्ष बराबर 289 लगाए गए, कुल वृक्ष बराबर 289, ठीक है, फिर चूंकि प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी, हिंदी आप लिख लीजिएगा जैसे अभी हमें एक क्वेश्चन में बताए थे, फिर नीचे लिखिएगा अतः क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर अंडर रूट 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो आंसर आ जाएगा इसका कि 17 वृक्ष। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो आपका दक्षता अभ्यास 2 खत्म हो गया है, तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी सारी, जो कि आपको आगे भी काम आएंगी और हमेशा काम आएंगी, कोई भी आप तैयारी करें, कोई किसी भी तरह की पढ़ाई करें, वर्गमूल आपको आना चाहिए। ठीक, तो आप लोगों ने इसमें दशमलव वाला भी वर्गमूल पढ़ा, आंसर वाला भी वर्गमूल पढ़ा, सिंपल वाला वर्गमूल भी पढ़ा, और अगर वर्डिंग वाला आ जाता मतलब जैसे अभी दिया था यहाँ पे शब्दों में लिखा रहता था उसको भी हल कैसे करना वो भी आप लोगों ने पढ़ा, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आपने पढ़ी है इसमें, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है इसमें 3 जो कि है घनमूल, तो ध्यान रखिएगा घनमूल होता क्या है, जैसे वर्ग में घात 2 होती है वैसे घन में घात 3 होती है, वर्ग का वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, चिन्ह लगाते हैं वैसे घन का जो घनमूल निकालते हैं उसमें भी वही चिन्ह लगता है लेकिन आगे छोटा सा 3 लिखा रहता है, ठीक, तो वो होता है घनमूल। तो फिलहाल इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे, तो आज की क्लास फिर यही खत्म करते हैं, थैंक यू।